अगर ज्यादा पसंद नहीं आया? कैसी बातें कर रहे हैं? ये अगर पसंद नहीं आता तो इतने दिन बाहर रहते हो, अपनी माँ की याद नहीं आती? जब खूबसूरत बीवी साथ में हो तो माँ बाप की याद नहीं आती, तुम्हें भी अपनी सास की कहाँ याद आती थी? आपकी लंबी हनीमून की कहानियां शुरू हो उसके क्यों? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर ये शुरू हो गया तो तुम्हें पता ही है। तुम जाके फ्रेश हो, ढेर सारी बातें करो। ठीक है, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बदला। अभी भी वही खामोशी दोनों के चेहरे पर नहीं है। क्या बदली तो तुम भी नहीं, आगे फिर शुरू हो गए। अरे लंबे सफर से आए, थकान तो होगी ना? ये थकान सफर की दूरी की नहीं है, दूरी की है जो उन दोनों के बीच में। आज तक हमने सोचा था दोनों बाहर एक साथ जाएंगे घूमने फिरने, तो शायद है ना, शायद जो कुछ तुम कह रही हो सही हो, शायद ना भी। तुम सब कुछ तो देख रहे हो फिर भी ऐसा कह रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम किस चीज से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। फायदा शादी, ये रिश्ता ही गलत है। जब गलती हो ही गई तो क्या किया जा सकता है? मैं बैठकर सोचा कि नहीं जा सकता, उस गलती को सुधारा जा सकता है। वही तो करने की मैं कोशिश कर रहा, लेकिन क्या कुछ हुआ? मुझे तो डर है जब इस खामोशी को आवाज मिलेगी तो पता नहीं। तुम्हारा डर बेकार है नीता, हम दोनों जानते हैं कि सूरज एक समझदार इंसान है। विद्या भी जानती और समझती है कि क्या सही है क्या गलत। तुम चिंता मत करो, ये दोनों जो भी फैसला करें सही है। पापा। हाँ बेटा। पापा क्या थोड़े दिन और हम यहाँ नहीं रुक सकते? क्यों बेटा? पापा अभी भी कुछ वायदे हैं जो पूरे करने हैं, कुछ जिंदगियां बाकी हैं जिनके हिसाब पूरे करने हैं। बस बहुत हो गया बेटे, मैं तुम्हारी जिंदगी को और खतरे में नहीं डाल सकता, तो मुझे बताओ मैं खुशी छोड़ूं? नहीं पापा, पापा ये पन्ने मेरी ही किताब के हैं जिसे मुझे ही भरना है, चाहे उसके खून से चाहे। बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो। विद्या भी चली गई, तुम क्यों? तो फिर बेटा पुलिस है, कानून है। पापा शायद वो इस जन्मों के चक्कर को ना समझ पाए। तारा, नेहा, राम, ये सब नाम शायद उनके लिए कोई मायने नहीं रखते होंगे, इसलिए वीरेंद्र प्रताप सिंह को सजा तो मुझे ही देनी पड़ेगी। मैं उसको सजा दिए बगैर यहां से नहीं जा सकता पापा। कैसे समझाऊं बेटे, मेरी खातिर, अपनी मां की खातिर, अपनी खातिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो बेटे। नहीं पापा, पापा जब तक पुरानी जिंदगी के साए मिट नहीं जाते मैं नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। तो नए सफर, नई जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी कर लो राम। वीरेंद्र प्रताप सिंह को उसके किए की सजा मिल चुकी है। श्याम ये क्या कह रहे हो, कैसे? हाँ राम, कल रात पहाड़ी की चोटी से गिरने की वजह से मौत हो गई उसकी। जैसे कर्म वैसी सजा मिल गई उसको।
विद्या और सूरज भी आ गए हैं अपने हनीमून से। कहाँ है तुमने मुझे बताया था नहीं? तुम ऑफिस में थे। तो कब ऑफिस में फोन कर देती? मैं वहीं से चला जाता उसे मिलने। इसीलिए तो नहीं बताया। अच्छा लगता है। आशा, इसमें अच्छा और बुरे की क्या बात? मेरी बेटी अब वक्त हो गया उसे देखने में। मैंने कल घर पर बुलाया था। तो बहुत अच्छा किया तुम। आशा कल मेरी भी छुट्टी है। सारा दिन विद्या और सूरज के साथ खूब सारी बातें करेंगे। कल विद्या के पसंद का खाना बनाएं और एक काम करते हैं, कल शॉपिंग के लिए चलें। उसे जो कुछ भी चाहिए उसके लिए खरीद देंगे। चुप, क्या ख्याल है? उसे जो चाहिए था राज, वो तो तुम दे चुके हो ना उसको। तुम्हारा प्यार उसे गले से लगाना, यही तो चाहिए था उसे। विद्या, मेरी वॉच और वॉलेट कहाँ है? ये लो। थैंक यू। से जोड़ा मेरा ये मतलब नहीं है। बहुत खूबसूरत लगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर लगता नहीं कि तुम डॉक्टर हो। क्यों? दिल के डॉक्टर भी तो होते हैं मैडम, और वैसे भी प्यार और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें, उनकी अपनी अपनी जगह। हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब तुम पास होते तो मुझे सिर्फ प्यार याद रहता। चले वरना देर हो जाए। देर हो जाती शायद, पर अब नहीं। विद्या, सिर्फ प्यार करना जरूरी नहीं, अब प्यार करते हैं ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। और आज तुमने ये पेंडेंट पहनकर मुझे बता दिया है कि तुम मेरे प्यार को समझते हो। चल। माँ, हम लोग चलते हैं। ओके बेटा, वहां से एक फोन जरूर कर देना। माँ, अच्छा था अगर आप और पापा भी चलते साथ। हाँ बेटा, तुम्हारे पीछे से तो हम एक दूसरे से मिलते ही रहते थे, लेकिन तुम बहुत दिनों के बाद में मिल रहे, इसलिए हम लोग बाद में कभी मिलेंगे। ओके, सी यू मॉम। सी यू बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ऑलवेज मॉम, बाय। आशा। हाँ। किचन में क्या कर रही हो तुम? खाना बना रहे हैं। हाँ, कमाल की खुशबू आ रही है। खुशबू ही नहीं, जो चीज बन रहा है वो भी। भाई अब इंतजार नहीं होता। किसका? विद्या का या खाने का? दोनों का। अच्छा एक बात बताओ कि हर अच्छी चीज के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? शायद इसीलिए कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। बन क्या रहा है? वाह, बहुत खूब खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे चार यार, मैं, तुम, विद्या, सूरज और हमारी बिरयानी। चल आगे मैं देखती हूँ। अरे सूरज, विद्या, कैसी है मेरी बच्ची? अच्छी मामा। कैसे हो तुम सूरज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक। तो गले लगा कर ही पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सही कहा था किसी ने, किसी के दूर जाने से ही उसके पास ना होने का एहसास होता है। पास हूँ पापा। जानता हूँ बेटा, तुमसे दूर रहा हूँ। भाई राज, दामाद जी भी तो आए हैं साथ, भूल गए? यार यार बिरयानी, कम ऑन कम ऑन, आ जा। बिरयानी? हाँ भाई सूरज, आई एम वेरी सॉरी,
लेकिन आज तो हमने सिर्फ अपनी बिटिया की पसंद की चीज बनाई है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की जो पसंद है वो मेरी पसंद है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा आप इसे भी सिखा दीजिए बिरयानी कैसे बनाना, ताकि मुझे भी खाने को। अभी देर किस बात, खाना लगाओ। वैसे भी मुझे सूरज और विद्या से बहुत सारी बात। अभी अरे विद्या बेटा तू आ गई सदा से। सुना कर, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर दूंगा। सो तो ठीक है, पर देखना कितना उतर गया है चेहरा तेरा। ओफो माँ जी, ये सफर की थकावट है। अरे बेटा, चेहरा दिल का आईना होता है, जो चीज दिल में होती है ना वही चेहरे पे दिखाई देती है। इस वक्त सबका दिल ये कह रहा है कि मजेदार खाना खाया जाए। जो सोच बिल्कुल, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा। साथ में इतनी सारी यादें तो हैं, उन्हीं को समेट रही थी। नहीं बेटा, इन यादों को तुम इसी घर में रहने दो। तुम्हारे नए घर में, नई जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है। वहां तो तुम्हें नई यादें बनानी है। मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए तो इन्हें समेट कर यहीं पर बंद कर देना चाहती हूँ, ताकि मेरी जिंदगी में ना तुम नहीं जाओगी तो नहीं आएंगे, सब तुम पे निर्भर है। मामा, आप नहीं जानती मैंने नाहल घर में क्या देखा। क्या देखा मामा? मैंने वो सब देखा जो कल तक सिर्फ एक ख्वाब था। मैंने उन्हें जीते हुए देखा मामा, अपने आप को देखा, अपने आप को जिंदगी देख कर आई हूँ। सूरज जानता है ये सब, उसी की वजह से तो हिम्मत जुटा पाई हूँ कि अपने कदम वापस खींच कर ला सकूं। काफी दिनों के बाद मिले ना, तो मैं तो ये भूल ही गई थी कि अब ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी बीवी भी है। सॉरी इंतजार कराने के लिए। नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा सा जरूरी काम है, विद्या अगर चाहे तो यहाँ रुक सकती। नहीं नहीं, हम इतने सेल्फिश थोड़ी हैं। इट्स योर लाइफ।